गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यू माई सेल्फ मंजीत योर साइंस टीचर एंड टूडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड टुडे च टॉपिक आर सोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सोल्यूशन इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द होमोजिनियस एंड हिट्रोजिनीयस मिक्सचर दे आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर होमोजिनीस मिक्सचर एंड हिट्रोजिनियस मिक्सचर एंड नाउ सोल्यूशन सोल्यूशन इज अ होमोजिनियस मिक्सचर सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रेक्टिंग सबस्टांसिस क्लियर सोल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट हीट्रोजीनियस हीट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस क्लियर हीट्रो एंड होमो हीट्रो के अंदर जो आपके पार्टिकल्स का साइज था जो कॉन्सिस्टेंट पार्टिकल्स का साइज था उसके अंदर डिफ्रेंस ज़्यादा था बट होमोजीनियस के अंदर जो आपके कंसिस्टेंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके आपका मिक्सचर बना हुआ था उनका साइज नियरली इक्वल था सो दैट्स वाई सोल्यूशन के अंदर हमारे वो कॉम्पोनेंट आते हैं वो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स आते हैं जिनका साइज नियरली सेम होता है इट मीन्स दैट हम बोल सकते हैं सोल्यूशन आपका वो मिक्सचर होगा जिसके अंदर आपका होमोजीनियस मिक्सर होगा बेसिकली जिसके ये अंदर जो पार्टिकल्स का साइज है वो नियरली रिजाम्बल करेगा दोनों के टाइप के कॉम्पोनेंट से क्लियर अब हम क्या बोल रहे हैं सोल्यूशन आपका एक होमोजीनियस मिक्सर है जो टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटांसिस से मिलके बना होता है अब ये दो सब्स्टांसिस कौन से हैं जिनसे वो मिलके बना होता है उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं सोल्यूट एंड सोल्यूट एंड सोलवेंट क्लियर सोल्यूट एंड सोलवेंट से मिल हमारा कोई भी जो मिक्सचर है वो बनता है अगर आपके सोल्यूट एंड सोलवेंट का जो पार्टिकल साइज़ है वो नियरली सिमिलर है दोनों का तो हम बोलेंगे हमारे पास जो मिक्सचर बना है वो होमोजीनियस मिक्सचर है और इस होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सोल्यूशन बोल देते हैं बिकॉज होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल का साइज़ है वो नियरली सेम होता है अब यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि सब टाइप के जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो सोल्यूशन होंगे तो इसके लिए आपके पास तीन करैक्टर होती हैं तीन कंडीशंस होती हैं कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम किस टाइम कोई भी मिक्सचर है उसको हम किस टाइम सॉल्यूशन बोलेंगे तो फर्स्ट आपका क्या है जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के लिए वो आपके नॉन रिएक्टिव होने चाहिए ताकि वो रिएक्ट ना करें अगर वो रिएक्ट करेंगे तो किसी अदर स्पीसीज की फॉर्मेशन कर देते हैं सो so, हम उसको सोल्यूशन के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हमने बोला है होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सर के अंदर हमारे पास क्या था वो कॉम्पोनेंट जो जस्ट फिजिकली मिक्स होते हैं उनके अंदर कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता क्लियर सो so, अगर आपके कंपोनेंट नॉन रिएक्टिव हैं तो वो जस्ट फिजिकली मिक्स होंगे उनके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा क्लियर एंड नाउ सेकंड इज जो इनके पार्टिकल का साइज है वो लेस देन वन नैनोमीटर होना चाहिए पार्टिकल का साइज लेस देन वन नैनोमीटर होना चाहिए क्लियर पार्टिकल्स जो आपके सोल्यूटेंट सोलवेंट के पार्टिकल का उनका साइज लेस देन वन नैनोमीटर होगा थर्ड इज मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस जो मिक्सर हमारे पास है वो होमोजीनियस होना चाहिए अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी मिक्सचर आपका फॉलो करता है तो उस मिक्सचर को हम बोलेंगे सोल्यूशन क्लियर तीन कंडीशन है हमारे पास कौनसेंट पार्टिकल शुड बी नॉन रिएक्टिव पार्टिकल ऑफ the साइज ऑफ द constant particles इज लेस than वन नैनोमीटर एंड mixture शुड बी homogeneous इन नेचर क्लियर एंड नाउ वन रेस्ट टू पावर टेन रेस्ट टू सॉरी हमने क्या बोला पार्टिकल का साइज है वो कितना होगा वन नैनोमीटर होगा वन नैनोमीटर अब जैसे ही आपके पास हम मेजर करते हैं कहीं पे भी लेंथ को मेजर करते हैं वन मीटर के अंदर वन किलोमीटर के अंदर वैसे ही हमारे पास एक यूनिट होती है वन नैनोमीटर वन नैनोमीटर का भी हम यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए ठीक है लेंथ को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं वन नैनोमीटर टर्म का भी वन नैनोमीटर टर्म आपकी वन मीटर एंड वन किलोमीटर की कंपैरिजन में बहुत स्मॉल यूनिट होती है ओके सो so, यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर आता है वन नैनोमीटर आपका टेन रिज टू पावर माइनस नाइन मीटर के इक्वल होता है वन नैनोमीटर टेनरेस्ट टू पावर माइनस नाइन मीटर के इक्वल होता है अगर हमें कन्वर्ट करना हो वन नैनोमीटर को देन हम लिख सकते हैं वन टेन टू पावर माइनस नाइन मीटर इज इक्वल टू वन नानोमीटर इसके आगे अगर और सॉल्व हमने करना है तो टेनरेस्ट टू पावर नाइन ऊपर आपका जो टेन रेस्ट टू पावर है वो माइनस नाइन में है तो इसको हम नीचे लेके आएंगे तो प्लस के नाइन हो जाएंगे इन मीटर इसके आगे भी अगर आपने सोल्व करना है तो हम जो आपकी टेन रिस्ट टू पावर नाइन है उसको जीरोज के फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे नाइन जीरोज आपकी होंगी क्लियर इट मीन्स दैट इतनी स्मॉल वैल्यू हमारी इक्वल होती है वन नैनोमीटर के की क्लियर वन डिवाइड बाई टेन रिस्ट टू पावर नाइन यहाँ से जो आपकी वैल्यू आती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आएगी क्योंकि वन आपका सिंपल यूनिट फैक्टर है और उसके नीचे हमने टेन टू पावर नाइन लिखा हुआ है इतनी लंबी टर्म हमने लिखी हुई है सो तो आपका जो ओवरऑल आंसर है यहाँ से सोल्व करने के बाद वो स्मॉल बहुत ज़्यादा स्मॉल यूनिट आएगी तो वन नैनोमीटर आपकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है क्लियर इतना छोटा जिस टाइम पार्टिकल्स का साइज़ होगा उस टाइम हम उसको कंसिडर करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर एंड नाउ नेक्स्ट इज सोल्यूट एंड सोलवेंट दो कंपोनेंट हमारे पास होते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट सोल्यूट क्या होता है सोल्यूट आपका वो कंपोनेंट है सोल्यूशन का जो डिजोल्व होगा विच गार्ड डिजोल्व इन एनी मीडियम हमने दो डेफिनेशन ऑलरेडी इनकी डिस्कस की है, हाँ अपने लास्ट लेक्चर के अंदर तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है सोल्यूट की सोल्यूट आपका वो कंपोनेंट है सोल्यूशन का जो डिजोल्व होता है किसी भी मीडियम के अंदर क्लियर एंड सेकेंड डेफिनेशन क्या है सोल्यूट की वो कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन जो स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है सोल्यूशन के अंदर क्लियर सोल्यूट की दो डेफिनेशन है विच गेट डिजोल्व इन एनी मीडियम एंड सेकेंड इज विच प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटी और स्मॉल अमाउंट इन दैट सोल्यूशन क्लियर इसके बिल्कुल अपोजिट हमारे पास सोलवेंट होता है सोलवेंट आपका वो कॉम्पोनेंट है सोल्यूशन का जो लार्ज क्वान्टिटी के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा और सेकेंड क्या जो किसी दूसरी स्पीसीज को डिजोल्व करेगा एंड एक्ट एज अडियम इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व जो सोल्यूट को डिजोल्व करेगा अपने अंदर फॉर एक्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं ये हमारे पास लिक्विड है मीन्स वोटर हमने लिया वोटर के अंदर हमने ऐड किया शुगर वोटर में हमने शुगर ऐड किया ये हमारे शुगर के ग्रेनुअल्स हैं तो यहां पे क्या होगा जो शुगर है उसको हम डिजोल्व करेंगे जो वोटर की क्वांटिटी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू शुगर शुगर हमने मे बी फाइव ग्राम लिया है एंड वाटर हमारे पास हंड्रेड एम है तो जो वाटर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है शु, आ, शुगर से तो वाटर को हम कंसीडर करेंगे एज अ सोलवेंट एंड शुगर की यहाँ पे अमाउंट कम है तो शुगर आपका क्या होगा सोल्यूट क्लियर सेकेंड चीज़ हम क्या देखते हैं यहाँ पे जो शुगर के ग्रैनुल्स हैं शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व होते हैं वाटर के अंदर और वाटर क्या करता है उनको डिजोल्व करता है सो so, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हमारा जो शुगर है वो क्या आता है सोल्यूट एंड वोटर क्या आता है सोलवन क्योंकि वोटर हमारा शुगर को डिजॉल्व करता है क्लियर एंड नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं वो डिपेंड करता है हमारे जो कॉम्पोनेंट है सोल्यूशन के वो कितने हैं अगर हमारे पास टू टाइप के टू कॉम्पोनेंट्स है इट मीन्स जो आपका सोल्यूशन है सोल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट है एंड जो सोल्यूट है अगर वो वन वन है मतलब टू हमारे पास कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन बट अगर हमारे पास थ्री कॉम्पोनेंट हैं टोटल वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं लिक्विड सॉलिड गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है अगर हमारे पास टोटल थ्री कॉम्पोनेंट्स है तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं टर्नरी सोल्यूशन अगर हमारे पास फोर कॉम्पोनेंट है तो उसको हम बोल रहे हैं क्वाटनरी सोल्यूशन क्लियर तो इस टाइप से हमारे पास सोल्यूशंस की टाइप होती है आपके सिलेबस के अंदर जस्ट बाइनरी सोल्यूशन है बाइनरी सोल्यूशन हमारे पास नाइन टाइप्स के होते हैं बाइनरी सोल्यूशन नाइन टाइप्स के होते हैं इनकी जो टाइप्स है जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है आपके सोल्यूट एंड सोलवेंट पर क्लियर सोल्यूट एंड सोलवेंट पर डिपेंड करती है हमारे बाइनरी सोल्यूशन के टाइप टोटल नाइन टाइप्स के बाइनरी सोल्यूशन होते हैं नाइन टाइप्स के बाइनरी सोल्यूशन कैसे होंगे हमारे पास दो कॉम्पोनेंट्स हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट सोल्यूट एंड सोलवेंट मिलके क्या बनाएंगे सोल्यूशन क्लियर अब आपका सोल्यूट भी लिक्विड सॉलिड एंड गैस में प्रेजेंट हो सकता है एंड सोलवेंट भी लिक्विड गैस लिक्विड एंड सोलिड में प्रेजेंट हो सकता है क्लियर सो so, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास टोटल नाइन टाइप के सोल्यूशन बनते हैं नाइन टाइप के बाइनरी सोल्यूशन बनते हैं बेसिकली वो कैसे होंगे हम एज्यूम करते हैं हमारे पास वन मिनट हमने एज्यूम किया हमारे पास सोल्यूट एंड सोलवेंट फर्स्ट केस में हम लेके चलते हैं जो कोई फर्स्ट थिंग आपने क्या ध्यान रखनी है सोलवेंट की जो भी स्टेट होगी वही आपके सोल्यूशन की स्टेट होगी सोल्यूशन की स्टेट आपकी डिपेंड करती है सोल्यूशन सोलवेंट की स्टेट पर क्यों डिपेंड करती है क्योंकि सोलवेंट आपका लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता है लार्ज अमाउंट में होता है अगर हमारे पास सोलवेंट स्टार्टिंग में हम ले लेते हैं सोलिड सोलवेंट आपका सॉलिड होगा फर्स्ट केस तो यहाँ से हमारे पास तीन टाइप के सोल्यूशन बनेंगे सॉलिड इन सॉलिड, आपका सोल्यूट सॉलिड में भी हो सकता है लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है अगर आपका सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो सॉलिड इन सॉलिड का एक मिक्सचर बनेगा एक सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड का बनेगा एंड देन सोलिड इन गैस तो थ्री टाइप के सोल्यूशन यहाँ से हमारे पास आते हैं सिमिलरली अगर हमारा सोलमेंट लिक्विड स्टेट में है तो सिमिलरली सोल्यूट आपका तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा सोलि लिक्विड एंड गैस तो यहाँ से भी हमारे पास थ्री टाइप के सोल्यूशन आएंगे लिक्विड इन सोलिड लिक्विड इन गैस एंड लिक्विड इन लिक्विड क्लियर देन नेक्स्ट हमारे पास रहता है सोलवेंट आपका सोलिड स्टेट में भी आ गया लिक्विड में भी आ गया अब गैस में भी वो हो सकता है तो सिमिलरली गैस के अंदर भी हमारे तीन केस बनेंगे गैस इन लिक्विड गैस इन सोलिड एंड गैस इन गैस तो यहाँ से टोटल हमारे पास नाइन टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन बनते हैं जो डिपेंड करते हैं आपके सोलवेंट एंड सोल्यूड की स्टेट पर क्लियर सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट पे के बेस पे हमारे पास टोटल नाइन टाइप के सोल्यूशन है जिनको हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन सो फर्स्ट इज सॉलिड सोल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो किस स्टेट में है सॉलिड स्टेट में क्योंकि आपका सॉल्यूशन डिपेंड करता है आपके सॉल्वेंट की स्टेट पर क्लियर सॉल्वेंट हमने लिया सॉलिड सॉल्यूट हमारे कुछ भी हो सकते हैं सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है तो हम तीनों आपकी जो पॉसिबिलिटी है उनको लेकर चलते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉलिड इन सॉलिड का मतलब क्या होगा आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड हो और सॉल्यूट भी सॉलिड हो कोई ऐसा एग्जांपल हमने लेना है एलोए आर दी मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दी सोलड इन सोलिड और सॉलिड सोल्यूशन एलोए टैलकम पाउडर कॉलन सोयल एलोए के अंदर हम कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस किया है स्टील स्टील का एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टील के अंदर आपके पास आयरन एंड कॉपर आयरन एंड कॉपर दो आपके प्रेजेंट होते हैं कॉम्पोनेंट्स क्लियर अब आयरन एंड कॉपर आयरन की अमाउंट होती है नियरली नाइन्टी एट परसेंट एंड कॉपर की सॉरी कार्बन स्टील के अंदर कार्बन होता है कॉपर नहीं होता और कार्बन की अमाउंट होती है हमारे पास वन पॉइंट फाइव परसेंट कार्बन की अमाउंट के ऊपर आपकी स्टील की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कार्बन की जो अमाउंट है मैक्सिमम आपकी वन पॉइंट फाइव होती है और हम इसको बिलो भी, भी ले लेते हैं जीरो पॉइंट फाइव परसेंट भी ऐड करते हैं कहीं कहीं स्टील पर जीरो पॉइंट फाइव परसेंट जहां पर ऐड होगा उस स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी इन कंपेरिजन टू दिस सो ये दोनों आपके फॉर्म में है इन so, का नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिक्विड सोल्यूशन की तो लिक्विड सोल्यूशन के अंदर हमारे पास आ जाते हैं मोइस्र इन सोइल एंड मॉइचर इन शुगर लिक्विड सोलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है आपका सोलवेंट कैसा है सोलिड जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो और लिक्विड आपका सोल्यूट है जिसकी क्वांटिटी कम होगी तो इसका हम एग्जांपल ले, ले लेते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट लाइक एन हमारे घर पे होता है तो कभी कभी क्या होता है जो एन है जो हमारा नमक है उसके अंदर मोश्चर ट्रैप हो जाता है क्लियर मोश्चर ट्रैप हो जाता है जो वो मोश्चर है वाटर वेपर्स हैं जो सोल्ट के अंदर ट्रैप हुए हैं उनकी तो क्वांटिटी कम होती है एंड एन हमारे पास सोलिड स्टेट में ज़्यादा होता है तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है सोलिड इन लिक्विड का क्लियर नेक्स्ट इज सोलड इन गैस सोलड इन गैस का आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक एयर इन स्पंज स्पंज आपका सोलिड फॉर्म में होता है और उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है वो क्या हो जाती है गैस क्लियर एंड नाउ नेक्स्ट आपका हो सकता है सोइल सोइल एंड नाइट्रोजन सोइल एंड नाइट्रोजन गैस जो सोइल के अंदर वो नाइट्रोजन गैस होती है जो आपकी राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गा फिक्स करते हैं तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है सोलड इन गैस का क्लियर एंड नाउ नेक्स्ट टाइप इज लिक्विड solution लिक्विड solution लिक्विड solution का मतलब क्या है कि हमारे पास अब जो solute है सॉरी जो solvent है वो आपका कैसा है लिक्विड है क्लियर solution आपका लिक्विड स्टेट में है solvent आपका कैसा होगा लिक्विड क्योंकि आपका solution लिक्विड है एंड सोल्यूट आपका वही थ्री टाइप हमने थ्री पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी मे बी लिक्विड में भी सॉलिड में भी गैस क्लियर सोलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है तो उसके बेस पे हमारी जो टाइप्स हैं वो थ्री टाइप्स होंगी लिक्विड सॉल्यूशन की सो फर्स्ट इज लिक्विड इन सोलिड लिक्विड इन सोलिड एग्जाम्पल क्या है सेलेन वाटर लिक्विड इन सोलिड सोलिड इन लिक्विड सॉरी सोलिड इन लिक्विड लिक्विड आपका सोलवेंट है और सोलिड आपका सोल्यूट है तो सोलिड इन लिक्विड होगा तो सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि आपकी जो सॉलिड क्वांटिटी है सोल्यूट है वो कम अमाउंट में होना चाहिए लिक्विड ज़्यादा में होना चाहिए तो आपका एग्जाम्पल आता है सेलिन वाटर क्लियर समुद्र का जो पानी होता है वहाँ पर जो नमक है वो पानी से कम होता है नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड इन लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो हनी इन वाटर ले सकते हो जोसी इन वोटर ले सकते हो अल्कोहल इन वाटर ले सकते हो किरोसिन एंड पेट्रोल हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ये एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस इन लिक्विड गैस इन लिक्विड का मतलब क्या है कि आपका कौन सा लिक्विड ऐसा है जिसके अंदर गैस ट्रैप हुई है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज वोटर वोटर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन गैस ट्रैप होती है अमोनिया इन वोटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड गैस इन लिक्विड एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो ड्रिंक्स हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रैप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द हेनरी लो क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इज गैसिय सोल्यूशन गैसीय सोल्यूशन इट मीन्स दैट हमारा जो सोलमेंट है वो कैसा होगा गैसी स्टेट में होगा सोलवेंट हमारा गैसी स्टेट में होगा क्लियर तो सेम हमारे पास तीन टाइप के सोल्यूशन बनेंगे सोलिड इन गैस लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस फर्स्ट इज सोलिड इन गैस सोलिड इन गैस मतलब सोलिड आपका गैस के अंदर नैथलिन एंड सब्लमेशन इन एयर नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस मॉश्चर इन एयर एयर के अंदर मोइच्चर प्रेजेंट होगा वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं एंड थर्ड सॉल्यूशन इज गैस इन गैस लाइक एयर एयर के अंदर आपकी बहुत सारी गैसेस होती हैं एल पी जी गैस बायोगैस एंड नेचुरल गैस ओके सो ये था हमारा सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन बेसिकली जो आपके डिपेंड करते हैं फिजिकल स्टेट पर एंड नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कंसंट्रेशन के बेस पे हमारे पास थ्री टाइप के सोल्यूशन होते हैं अन सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन सो फर्स्ट इज अन सोल्यूशन अन सोल्यूशन का मतलब क्या है एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हमारे पास एक बीकर है बीकर के अंदर हमने हंड्रेड एम एल वोटर लिया हंड्रेड एम एल वोटर लिया और इसके अंदर हम टेन ग्राम शुगर या फिर सोल्ट ऐड करते हैं टेन ग्राम हम सोल्ट ऐड करते हैं और हमने इसको डिज़ोल्व किया तो हमारे पास ये शुगर डिज़ोल्व हो जाता है क्लियर अब अगर हम इस सोल्यूशन के अंदर इसी बीकर के अंदर टेन ग्राम और सोल्यूट ऐड कर देते हैं टेन ग्राम और सोल्ट ऐड कर देते हैं तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे अन सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर हम और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं क्लियर बट अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मैं ट्वेंटी ग्राम और ऐड करूं, तो वो इसके अंदर ऐड नहीं होगा अगर वो इसके अंदर ऐड नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो सैचूरेटिड हो चुका है इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ये और ज़्यादा सोल्यूट को अपने अंदर ऐड कर सके तो उस टाइप का जो सोल्यूशन होगा उसको हम बोलते हैं सैचूरेटिड सोल्यूशन सो फर्स्ट इज़ अन सोल्यूशन द सोल्यूशन इन विथ सम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर नॉर्मल कंडीशन इज नोन एज सैचूरेटेड सोल्यूशन सैचूरेटेड सोल्यूशन आपके वो सोल्यूशन है जिसके अंदर हम कुछ अमाउंट और सोल्यूट की एड कर सकते हैं उसी टेम्परेचर पर टेम्परेचर हमने चेंज नहीं करना है अगर हम सोल्यूशन को हीट कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाती है डिजोल्व करने की मतलब उसकी जो सोलिबिलिटी है वह और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है वही टेम्परेचर हमने फिक्स रखना है और अगर उसी टेम्परेचर पर हम थोड़ी सी क्वांटिटी और उसके अंदर ऐड कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड अनसेचुरेट सोल्यूशन नेक्स्ट हमारे पास है सैचुरेटेड सोल्यूशन सैचरेटेड सोल्यूशन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन का बिल्कुल अपोजिट होते, है. होते हैं सैचुरेट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसके अंदर हम और अमाउंट सोल्यूट की ऐड नहीं कर सकते दो सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिस एट द गिवन टेम्परेचर एंड कंटेन मैक्म अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन क्वान्टिटी ऑफ दिस सोलवेंट इज़ गोल्ड सेचूरेटेड सोल्यूशन अगर हम किसी कंटेनर के अंदर ऐड करते रहते हैं सोल्यूट को लाइक ये सोलवेंट है हमारे पास और इसके अंदर हम शुगर ऐड कर रहे हैं शुगर हमने ऐड की स्टार्टिंग में हमने टेन ग्राम ऐड की स्टीर किया वो डिजोल्व हो गई नेक्स्ट फिर टेन ग्राम ऐड की स्टीर करते हैं डिजोल्व हो जाती है देन अगर फिर हम टेन ग्राम ऐड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो आपके शुगर के ग्रानोअल्स हैं वो डिजोल्व नहीं होते वो एज इट इज आपके सोल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं तो इस टाइम पे जो आपका ये सॉल्यूशन बन गया है जिसके अंदर और शुगर आपकी ऐड नहीं हुई तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लियर नेक्स्ट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वन अ सोल्यूशन

इंक्रीज़ कर देते हैं अगर हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल कंसीडर किया था जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट और शुगर की ऐड नहीं हो रही थी ट्वेंटी ग्राम शुगर इसके अंदर डिजॉल्व हो चुकी थी टेन ग्राम हमने और ऐड की तो वो डिजॉल्व नहीं हुई तो अगर हम इस सोल्यूशन को इस बीकर को हीट करें इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें और देन जो आपकी टेन ग्राम शुगर है उसको ऐड करें तो वो इसके अंदर डिजॉल्व हो जाती है मतलब सेचुरेशन लेवल से ज्यादा हमने किसी सोल्यूशन के अंदर शुगर डिजोल्व करवाई विद दी हेल्प ऑफ द टेम्परेचर तो इस टाइप का जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलते हैं सुपर सेचूरेटिड सोल्यूशन क्लियर एंड नाउ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोलवेंट नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है सोल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ सोलवेंट अब जरूरी नहीं है कि हर टाइप का जो सोलवेंट है सोल्यूट है आपका वो वोटर के अंदर डिजोल्व हो हमारे पास टू टाइप्स के सोलवेंट होते हैं टू टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं बेसिकली एक्वा सोल्यूशन एंड नॉन एक्वा सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो बनते हैं विद दी हेल्प ऑफ द वोटर लाइक कोई भी सोल्यूट है उसके अंदर वोटर हमारा जो सोलवेंट है हमारा वो वोटर ही होगा तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा एक्वा सोल्यूशन बट अगर कोई सोल्यूट ऐसा है जो वोटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता तो उसको हम किसी अदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करवाते हैं लाइक बेंजीन इथर सी सी एल फोर एसीटोन एक्सेट्रा तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्लियर तो सॉल्यूशन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं एक्वा सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वा सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर जो सोल्यूट है उसको सोलवेंट मतलब वोटर के अंदर ऐड किया जाता है वोटर एज अ सोलवेंट जिसके अंदर एक्ट करता है बट नॉन एक्वा सोल्यूशन हमारे वो सोल्यूशन होते हैं जिसके अंदर वोटर के अलावा कोई अदर लिक्विड हम यूज़ करते हैं एज आ सोलवेंट व कुछ भी हो सकते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक सोलवेंट भी हो सकते हैं क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है सो फर्स्ट इज़ स्मॉल पार्टिकल साइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन पार्टिकल का जो तो साइज़ है वो लेस दैन वन नैनोमीटर होना चाहिए जो आपका सोल्यूशन है वो होमोजीनस इन नेचर होना चाहिए नॉन सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन जब का सोल्यूशन बना है उसके अंदर हमने कंसिडर किया था जब आपका फिजिकल चेंज है कोई भी सोल्यूशन है जो होमोजीनियस जो मिक्सचर है वो आपका फिजिकल चेंज होता है केमिकल चेंज नहीं होता और उनको हम किसी भी फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट ना कर सकें वो आपका प्रॉपर्टी होती है सोल्यूशन के अंदर नॉन सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन इन फिजिकल प्रोसेस से इसको सेपरेट ना कर सकें वेरी स्टेबल स्टेबल होने चाहिए असोल इफ से अ सोल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब इवन अ लॉन्ग टाइम द सोल्यूट पार्टिकल ऑफ आ सोल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन सेटल डाउन नहीं होने चाहिए वो उसके अंदर मिक्स ही रहने चाहिए तभी उनको हम बोलेंगे कि वो ज़्यादा स्टेबल है नॉन विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल पार्टिकल का साइज टेनरेज टू पावर माइनस नाइन मीटर होता है तो इट मीज दैट ये आपको ईजिली विजिबल नहीं होंगे तो पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी हम जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ को मेजर नहीं कर सकते देख नहीं सकते सेम फेजिस ऑफ कॉन्सिस इफ़ आ सोल्यूशन इन अ सोल्यूशन फेस ऑफ ऑल द कॉन्सिस और कॉम्पोनेंट आर सेम क्लियर ये थी हमारी प्रॉपर्टीज सोल्यूशन की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोलिबिलिटी ऑफ दी सोल्यूशन सोलिबलिटी टर्म्स क्या होती हैं हमने अभी डिस्कस किया है कि हम किसी भी सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं सोलवेंट के अंदर तो वो कितना डिजोल्व होता है कितना डिजोल्व नहीं होता उसको हम मेजर करते हैं सोलिबलिटी के टर्म में एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कंसनट्रेशन ऑफ दी सोल्यूशन ये हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू हैव नाइस डे